जड़ी बूटी ज्ञान रखे आपका सेहत का ख्याल। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं जौहर आपका दोस्त। मैं अपने चैनल आयुर्वेद जड़ी बूटी ज्ञान में आपके लिए लेकर आता हूँ झारखंड के सुदूर इलाकों से जड़ी बूटियों का खजाना। दोस्तों आज जड़ी बूटियों के सिलसिले में मैं आपको लिए चलता हूँ झारखंड के उन सुदूर इलाकों से जहाँ से मैं खुद जड़ी बूटियाँ लाता हूँ, और आपको भी लिए चलता हूँ उसके पहचान के विषय में। तो चलिए चलते हैं जड़ी बूटी। दोस्तों आज मैं जिस पौधे से आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ, इस पौधे का नाम आक है, जिसे झारखंड में अकमन से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे मिल्क वीड या डेड सी एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसे मदार भी कहते हैं। यह बहुत ही जितनी सुंदर दिख रही है उतना ही विषैला पौधा है। इसका प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। इसके दूध से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। यदि इसका दूध हमारे आँखों में चला जाए तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। यह बहुत ही लाभकारी पौधा भी है, किंतु इसका प्रयोग बहुत ध्यानपूर्वक करें। मैं इसके दो तीन ही प्रयोग बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर बाहरी प्रयोग ही इसका करें। दोस्तों यदि गर्मियों के मौसम में खमोरी, छाजन, उकौता या एक्जिमा वगैरह हो गया हो तो उसे दूर करने के लिए इसका एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं बताता हूँ। इसके फूल वाले जो हिस्से हैं उसके तोड़ने से बहुत ही ज़्यादा दूध निकलता है, तो नारियल के तेल में इसके दूध को मिलाकर मलहम की तरह बना लें और इसे उस जगह पर लगाएं, तो घमौरी, छाजन, यहाँ तक के एक्जिमा वगैरह भी ठीक हो जाती है। जिन माता बहनों को दाग हो गई हो या चेहरे पर छाई हो गई हो, तो वो एक चम्मच हल्दी में 5 से 10 बूंद अकमन के दूध और गुलाब जल को मिलाकर एक पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को अपने चेहरे पे लगाएं, जिससे आपके दाग दूर हो जाएंगे। थोड़ा सावधानी बरतें, आँखों में ना जाए, जिससे आपको किसी तरह कोई तकलीफ ना हो। इसका प्रयोग पुरुषों के लिए मैं बता दूं कि जिन लड़कों को या भाइयों को अंडकोश में सूजन हो जाती है या अंडकोश में दर्द, चोट लगने के कारण दर्द हो जाता है, तो इसके लिए क्या करें कि इसके पत्तों के साथ आप तिल के तेल को मिलाकर पीसें, तो मलहम की तरह एक पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को एक सूती कपड़े में डालकर अंडकोश के चारों तरफ बांधकर और लंगोट कसकर पहन लेने से अंडकोश की सूजन उतर जाती है और दर्द में भी लाभ होता है। दोस्तों दांत को मजबूत करने के लिए या हिलते दांतों को ठीक करने के लिए या फिर अपने मसूड़ों को ठीक करने के लिए इसका हमारे झारखंड में एक मंजन बनाया जाता है। इसकी सूखी लकड़ियों को जमा कर लें और जलाकर आप एक लोहे की वस्तु द्वारा कूट कर बारीक पाउडर बना लें। इसमें आप थोड़ा नमक भी मिला सकते हैं और फिटकरी मिलाकर इसको, फिटकरी को आप आग पर फुला लें, यानी फिटकरी को चूर कर आग में कोई बर्तन या तवे पर डालकर फूल बना लें, यानी उसे आप भून लें और इसे पीस कर मिला लें। इसके प्रयोग से आपके दर्द के रोग, पायरिया वगैरह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों यह बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में काम करती है। तो दोस्तों मेरे साथ, मेरे वीडियो के साथ बने रहें। आपका दोस्त जौहर इसी तरह नए नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आता रहेगा अपने चैनल के माध्यम से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।